Hi everyone, welcome back to my channel. For those who know me and for those who do not know me, my name is Riti. This is my world, this is my channel, this is my space. Drum roll. How are you guys? Okay, for the new ones, my name is Riti. I create content on fashion, food, travel, lifestyle, markets. And for the old ones, thank you so much for again clicking on this video. So, कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप लोगों को टाइटल से नहीं पता चला, जो एक्चुअली हो नहीं सकता, बट मैं फिर भी बता देती हूँ, तो आज हम जा रहे हैं सरोजनी नगर मार्केट. इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम दैट आई डिड नॉट गो टू सरोजनी नगर मार्केट. आई वांट टू गो एंड सी व्हाट इज हैपनिंग देयर, व्हाट इज द न्यू कलेक्शन. विंटर्स इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, आ ही गई है शाम को. तो मैंने देखना है कि क्या वहाँ पे प्राइस रेंज चल रहे हैं, कौन सी शॉप्स है, क्या चल रहा है, व्हाट इज इन ट्रेंड इन सरोजनी मार्केट, एंड क्या बाकी मार्केट्स की तरह सरोजनी मार्केट का भी प्राइस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा. सो हूएवर वांट्स टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन सरोजनी नगर मार्केट, देन लेट्स गो. सो दिस टाइम आई एम एंटरिंग फ्रॉम साउथ विंग. सरोजनी नगर मार्केट गेट 3 से मैं एंटर कर रही हूँ. इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन है. आप मेट्रो स्टेशन से जैसे ही बाहर आओगे, इसके राइट ऑपोजिट, बैंग ऑपोजिट रोड क्रॉस करते ही ये वाला गेट है, गेट नंबर 3. आप यहाँ से एंटर कर सकते हो. एज सून एज यू एंटर, ये पूरा एक गेट है, ये एक पूरा स्ट्रेच है जहाँ पर आपको एंट्री मिलेगा. एज सून एज यू एंटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपको सारे स्टॉल्स दिखना शुरू हो जाएंगे. ओके, वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, पहले ना सरोजनी में लोग कहते थे 100-200 रुपये के ना ऐसे टॉप मिल जाते हैं, जो ये होते हैं वो होते हैं, उनकी ना क्वालिटी बहुत वियर्ड सी होती थी, बहुत एप्ट नहीं होती थी. लेकिन इस बारी 200-300 में आपको एक्चुअली बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिल रहे थे. एंड माइंड यू, ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, मैं लड़कों के लिए भी आपको बता रही हूँ. I was so pleasantly surprised that you're getting denims for ₹200. So apparently I've come to this shop और यहाँ पे ना मैंने सुना था कि ये सारी की सारी ना low quality की ही हैं. ठीक है, मतलब ये easily वो हो जाती है, खराब हो जाती है. But then I spoke to this guy जो ये यहाँ पे हैं, ये बता रहे हैं इनके पास हर variety है. They have the ones जो fade out भी हो जाते हैं, plus they have the ones जिसकी 1 year की guarantee भी है. Can you imagine, these are like for 100 rupees and you're getting a guarantee of 1 whole year. तो यहाँ पे आपको ना ऐसे shoe, bed shoes भी मिल रहे हैं woolen वाले. कितने के भैया ये? 100 के दो मिल रहे हैं आपको. They're not bad at all. Everybody loves fashion and every girl loves skirts. Winter की collection 102 shop number. Come and check out the skirt collection here. Shop number 194, they have corsets, beautiful corsets. Then they have these puffy jackets for winters and ye wali jackets bhi hain inke paas. I like this one, they're saying 1000. Let's see kitne ka last day dete hain. I might buy this. Winter cute night suits are also available. Okay, this is 193 shop number and apparently everything is for 200 rupees. Let's see what do they have. फाइनली मेरा उद्घाटन हो गया और मैंने शॉपिंग शुरू कर दी है. ऑब्वियसली आई विल शो यू व्हाट ऑल आई गॉट, बट अभी शॉपिंग करेंगे. शॉप नंबर 108, यू विल फाइंड ऑल द विंटर ड्रेसेस. यहाँ पे विंटर ड्रेसेस की कलेक्शन काफी अच्छी है. तो ये हार्ड रॉक टैटू है, इसके सामने ना यहाँ पे 200 में आपको कोट्स मिल रहे हैं, लाइक लिजिट 200 ही सेलिंग दीज लॉन्ग कोट्स. So legit they have coats in 200 rupees and the variety is really crazy.
मतलब आप H&M जाओगे, आप ज़ारा जाओगे, you will not get this price at all. They are not bad at all. You should definitely try and you know check out. Dude, H&M is selling this for 3,000 rupees and you are getting here for 200 rupees. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि even if you wear it once, you're good to go. Okay. इस पे ना कुछ पे ना stains है, so you have to be very careful when you buy. But other than that, I think it's a steal deal. And the best part is you get it in so many. Okay, I like this one. I really like this one. So you're getting cardigans for 100 rupees. That's it. मतलब if you don't want to spend too much on your winter wear, this is the right place to come. Denims are back और यहाँ पे इतनी वैरायटी है डेनिम्स की एंड देयर सो प्रिटी. यहाँ पे H&M की फुल स्लीव्स की टीज भी मिल रही हैं. ज़ारा इज आल्सो अवेलेबल हियर. शॉप नंबर 191. यहाँ पे स्टफ बहुत अच्छा है लेकिन इट इज अ फिक्स्ड प्राइस शॉप. ओके ऑनेस्टली मैंने आप लोगों को बताना है, दिस शॉप नंबर 191 हैड रियली गुड स्टफ. मतलब इनके पास वैरायटी तो थी, इनकी क्वालिटी बहुत 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 अच्छी थी. एंड आई एम नॉट लाइंग टू यू, कोट हो जाए, पैंट्स हो जाए, टॉप्स हो जाए, स्वेटर्स हो जाए, जीन्स हो जाए, कुछ भी, द क्वालिटी इज रियली रियली. Thank you.
तो क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, ठीक है, अब पता है बिक भी क्या रहा है, छलियाँ बिक रही हैं एंड शक्कर गंदी बिक रही है गरम गरम एंड ऑब्वियसली फ्रूट्स बिक रहे हैं, लेकिन आई स्टिल सी अ लॉट ऑफ पीपल ईटिंग आइसक्रीम. बहुत 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 रश है. इफ यू वॉन्ट टू कम, कम ड्यूरिंग द वीक बिकॉज अदरवाइज आप बहुत क्योस में फंस जाओगे. आई केम अर्ली, तब तक इतना नहीं था, बट नाउ धीरे 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 इट इज़ इंक्रीजिंग. ओके, तो मैंने साउथ से एंटर किया था, अब मैं यहाँ से एग्जिट ले रही हूँ. ये कौन सा गेट नंबर है? आई डोंट नो ये कौन सा गेट नंबर है. दिस इज कार्तिक लाल एंट्रेंस कुछ है. मैं यहाँ से अब एग्जिट ले रही हूँ. आई विल सी यू गाइज एट होम नाउ एंड शो यू वॉट ऑल डिड आई बाय. सो लेट्स गो होम. सो आई गॉट दिस ब्यूटिफुल हाफ स्लीव्स का स्वेटर. मैंने ऐसा ही सेम डिटो ब्लैक कलर में अर्बैनिक से मंगवाया हुआ है एंड दैट इज फॉर, दिखा देती हूँ अगर आप लोगों को लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ तो. मेरी अर्बैनिक की काट आ रही है, मम्मी पीछे खड़ी हुई है, मम्मी कहेगी अब मैं छत्तर मारूंगी. दैट इज फॉर ओरिजिनल प्राइस उसका था 1190, मैंने मंगवाया 952 में. ये सेम अवेलेबल था, ये देख लो, ये सेम अवेलेबल था ब्लैक में, लेकिन मुझे ग्रे चाहिए था. मेरे ना दिमाग में एक लुक है जो मुझे अपनी विंटर की क्रिएट करनी है. आई गॉट दिस फॉर 300 rupees. वो जो फिक्स प्राइस शॉप भैया बोल रहे थे, क्योंकि मैंने वहां से ना दो चीजें उठाई हैं तो उन्होंने मेरे को कम कर दी थी. तो अदरवाइज दिस इज फॉर 350 rupees. मैं लेके आई हूँ 300 का ये. और मैं सेकंड चीज उस शॉप से क्या लाई हूँ वो भी दिखा देती हूँ. नंबर टू, ओके, आई एम क्रेजी अबाउट डेनिम्स दीज डेज एंड अबाउट फ्लेयर पैंट्स, ठीक है. ये मुझे ना टंगी हुई दिखी थी और ये बहुत सुंदर लग रही थी. सॉरी यहाँ पे स्पेस कम है. ये 28 वेस्ट है, ये हाई वेस्ट में आएगी, ठीक है. मैं लेके आई, मम्मी मुझे कहती तूने पहनी है ये? मैंने कहा ये मैं पतली हो रही हूँ, ठीक है, घुस जाऊंगी. एंड दीज आर द पैंट्स. ये पीछे से ऐसी हैं, ठीक है, एंड जिप है इसमें. ये जो पॉकेट है ये फेक पॉकेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये मुझे मिली है, नहीं, दिस वॉज नॉट 200, दिस वॉज 300, क्योंकि मैंने इसका और इसका दोनों का 650 पे किया था. सो दिस आई गॉट फॉर 300 rupees. इट्स अ स्टील डील, मतलब ये मैंने अगर चार बारी भी पहन लेना आई बी सॉर्टेड, पर ये वाली मेरी पहनी जाएगी, बट नीचे से वो कट करवानी पड़ेगी बस. सो दिस वॉज आइटम नंबर टू दैट आई बॉट. आइटम नंबर थ्री, आई बॉट दिस ग्रैंडमा कार्डिगन. ये मैंने पता क्यों लिया है. ये मतलब अगर आप टी शर्ट या फिर फुल स्लीव की कोई भी मतलब स्वेट शर्ट पतली सी डाल के ना उसके ऊपर डालोगे ना, इट लुक रियली नाइस. इसकी पूरी एक सिर्फ इसकी एक लुक बन सकती है, ब्लैक या व्हाइट या बेज या किसी में भी. एंड मम्मी मुझे कहती है बच्चों वाला तुम कहां से लेके आई हो? मैंने कहा हेलो बच्चों वाला नहीं है, मैं देख के लाई हूँ. मैं आपको दिखाती हूँ हाउ इज इट लुकिंग. दिस इज हाउ दिस इज. अब इसको टर्टल नेक के साथ पहनाओ, जस्ट इमेजिन जीन्स टर्टल नेक दिस स्लिंग बैग हाई पोनी. ओ माय गॉड क्या लगोगे. सो आई बॉट दिस एंड आई बॉट दिस फॉर 200 rupees. यस आई बॉट दिस फॉर 200 rupees. यस 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 यस. और मैं ना एक बार ना सारा ना टैली कर लूंगी, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा क्योंकि मैंने लिखा हुआ है 99.9% दिस वाज फॉर 200 rupees. नाउ द नेक्स्ट आइटम दैट आई बॉट इज दिस इज वुलन स्कर्ट. मेरे पास ऑलरेडी एक वुलन स्कर्ट है लेकिन वो फ्लेयर वाली नहीं है. ये एक बहुत इंग्लिश स्टाइल की वुलन स्कर्ट है, इसके ऊपर इलास्टिक है, ब्लैक कलर की, सॉलिड ब्लैक कलर की है. अगेन आई रियली 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 लाइक दिस. मैंने उनसे पूछा कि कितने की है, उन्होंने बोला था, आई थिंक उन्होंने बोला था 450 की, नहीं 550 की. मैं ये लेके आई हूँ 250 की, 250 मतलब, यस मैं लेके आई हूँ 250. ओके, सो द नेक्स्ट आर्टिकल जो मैं लेके आई हूँ, आपको लग रहा होगा मैं ऐसे यूं क्यों करके खड़ी होगी, क्योंकि मैं अभी बैठी हुई थी और मेरी औलाद यहाँ पे आके रोने लग गया है. तो मैं जो नेक्स्ट आइटम लेके आई हूँ ना, वो एक्चुअली बाहर सब्जी मंडी में
बहुत महंगी है लेकिन वो मुझे 100 रुपए के 2 मिल गए. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद विंटर वेयर. पर मैंने कहा कि मैं आपको दिखा देती हूँ. आई गॉट ड्रैगन फ्रूट 2 50 रुपए के 1, 100 रुपए के 2. तो मैं ये लेके आई हूँ. आई होप ये ठीक हो. मुझे लग रहा है वैसे ये ठीक ही होंगे. वहां पे वो मशरूम्स भी बेच रहे थे. आई थॉट ऑफ बाइंग मशरूम्स एज वेल पर फिर मेरे को लगा कि पता नहीं मशरूम चेक कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता. खैर मुझे ये भी नहीं पता ये कैसे चेक करते हैं, पर ये मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैं ले आई. और मैं क्या लेके आई, और मैं लेके आई अपनी पर्ल इयररिंग्स. आई गॉट दीज इयररिंग्स फॉर 50 रुपीज, ठीक है. एंड आई गॉट, अच्छा यहाँ पे लगाती हूँ. I got this bow as well for 50 rupees. ठीक है, अब मेरे को ना ये अतरंगी चीजें कलेक्ट करने का शौक तो बहुत है. पहनती पहनती मैं होनी और इसके बाद गुम जाती है. Hi. So this is the current Priti and अभी जो आपने पूरी वीडियो देखी वो पूरी मैंने पता नहीं आई थिंक 10 दिन पहले शूट करी थी या फिर शायद उससे भी पहले. फाइनली अब मैं एडिट कर रही हूँ और आप लोगों के लिए मैंने डाली है. तो मैं देख रही हूँ कि एंड आई के नॉट फाइंड, मुझसे गलती से शायद डिलीट हो गया है. सो मैंने एंड में ना यही बोला था कि आप लोग जितना सामान सरोजनी से लेके आओ या फिर ऐसी मार्केट से लेके आओ, मेक श्योर टू वॉश देम बिफोर यू वेयर और गेट देम ड्राई क्लीन्ड. That's it. I hope you've liked it. If you did, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. I will see you in my next video. You take care. Bye bye. And Merry Christmas once again.